तो नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी को बता दें कि आज हमारी उपस्थिति पुनः जौनपुर जंक्शन पर हो चुकी है और आज हम आप सभी को जौनपुर जंक्शन से अड़ियार जंक्शन तक का अपडेट देने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से। और हमारी ट्रेन देखिए, जौनपुर अड़ियार मेमू पैसेंजर ट्रेन लगी हुई है, इस पर अभी हम चढ़ेंगे, आप सभी को पूरा दिखाएंगे अपडेट आज का। तो अपना प्यार सपोर्ट बनाइए आप लोग, हमारा सहयोग करिए, हमारा सपोर्ट करिए और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरा अपडेट आज का देखिए। बताना चाहेंगे इस ट्रेन की जो टाइमिंग है जौनपुर जंक्शन से, तो सुबह 9:40 पर है और अभी देखिए समय तो हो चुका है जौनपुर जंक्शन पे 9:40 से ऊपर हो गया है। तो अभी देखिए कोई सिग्नल नहीं है, तो अभी हमारी ट्रेन चलेगी मेमू पैसेंजर। तो हम आगे का पूरा हम अपडेट दिखाएंगे आज जौनपुर जंक्शन से और अड़ियार जंक्शन तक का। और देखिए कुछ प्रकार का प्लेटफॉर्म नंबर 5 है और इधर 4 है, तो काफ़ी बढ़िया व्यवस्था। देखिए पानी के लिए उत्तम व्यवस्था वहाँ पे देखिए हो गया है, शुरू हो चुका है और अभी टीन सीट लगा नहीं है दोस्तों। तो चलिए आज हम सफ़र कराते हैं आपको अड़ियार जंक्शन तक का, जौनपुर जंक्शन से अड़ियार जंक्शन। तो यार हमारी ट्रेन को सिग्नल मिल चुकी है और हमारी ट्रेन जौनपुर जंक्शन से चलने को तैयार हो चुकी है और अगला स्टेशन जो है यादविंद नगर आने वाला है। हमारी ट्रेन देखिए खुल गई है जौनपुर जंक्शन से और अब हम दिखा सकते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 का तस्वीर। जो प्लेटफॉर्म है काफ़ी बढ़िया है, बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए फुटओवर ब्रिज के पास देखिए काम होता हुआ। और बता दें कि दोहरीकरण इस पर हो चुका है, 99 इस पर इस रूट पर है जौनपुर से गाजीपुर वाले रूट पर, और यार जो है 99 हो चुका है। तो चलिए अगला हम स्टेशन दिखाते हैं आपको आने वाला है, तो उसको हम व्यू आपको दिखाएंगे। हमारी ट्रेन टर्न हो चुकी है गाजीपुर वाली लाइन पर और देखिए उस प्रकार का डबल लाइन, देखिए उधर का लाइन है, ये उधर से आने वाली लाइन है और इधर से जाने वाली लाइन, देखिए इस पर ट्रेन चल रही है। ये कुत्तुपुर वाला क्रॉसिंग है मित्रों, और कल बारिश भी हुई थी आज रात में, रात में काफी बारिश हुई थी। तो देखिए आप देख सकते हैं इस प्रकार का यहाँ पे। बताना चाहेंगे मित्रों, इस समय देखिए यादविंद नगर स्टेशन आ रहा है, आप देख सकते हैं। राजा जौनपुर जी के नाम पर ये स्टेशन रखा गया है यादविंद नगर। ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, बगल में 1 है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। इस प्रकार का यहाँ देखिए प्लेटफॉर्म बनाया गया है। और कुछ प्रकार से यादविंद नगर से ट्रेन देखिए निकल चुकी है, सामने देखिए हैंडपाइप है यादविंद नगर स्टेशन पर, आपको देखने को मिलेगा, पानी पीने को मिलेगा ठंडा पानी। और देखिए 3 सीट लगा हुआ है बैठने के लिए, बाकी बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे यादविंद नगर स्टेशन पर। और देखिए बाहर बैठने के लिए व्यवस्था है और 1-2 टीन सेट लगा हुआ है। चलिए अगला स्टेशन मुक्ति का जा रहा है, तो उसका हम भी आपको दिखाते हैं।
और स्टूडियो में बता दें कि यहाँ पे आपको समोसा ब्रेड पकौड़ा जो मिल रहा है, जो नमकीन लाइट मिल रहा है, तो बाहर से लोग चढ़ के बेच रहे हैं, मतलब रेलवे का कोई वो नहीं है इसमें रूल, बाहर से चढ़ के बेच रहे हैं इस ट्रेन में। कार का मेमू पैसेंजर ट्रेन है, काफी बढ़िया है। और हमारी ट्रेन देखिए मुफ्तीगंज पहुंच चुकी है हमारी यात्रा, और किस प्रकार का देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 मुफ्तीगंज का, काफ़ी बढ़िया शौचालय भी बना है। ये देखिए पानी के लिए उत्तम व्यवस्था यहाँ पर, पूरा टाइल्स लगा हुआ है मुफ्तीगंज में। यादविंद नगर स्टेशन से बढ़िया स्टेशन बनाया गया है मुफ्तीगंज। और देखिए यहाँ पर ट्रेन से लगाया कुछ बढ़िया, और आगे FOB है, फुट ओवर ब्रिज है मुफ्तीगंज में, जो कि जल्दी ही बन के तैयार हुआ है। यहाँ देखिए आसानी से आप बैठ सकते हैं, मुफ्तीगंज जो प्लेटफॉर्म है उस पर आप आराम से इस ट्रेन में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको बैठने में। तो सरकार देखिए यहाँ पे जल जमा हो चुका है, कल के बारिश में प्लेटफॉर्म पूरा जल जमा हो चुका है। हमारी ट्रेन मुफ्तीगंज स्टेशन से निकल चुकी है और अगले पड़ाव के लिए पहुंच रही है, और देखिए FOB फुट ओवर ब्रिज यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 फिलहाल बनकर तैयार है, और फुट ओवर ब्रिज काफ़ी बढ़िया बन के तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। ये आपको मुफ्तीगंज में मिलेगा फुट ओवर ब्रिज, यादवी नगर में फुट ओवर ब्रिज अभी नहीं बना है। देखिए बाहर चला जाता रास्ता, लास्ट वाला जो सीढ़ी है चला जाता बाहर। और यहाँ पे हैंड पाइप भी लगाया गया है, काफ़ी अच्छी बात है कि हैंड पाइप एक प्लेटफॉर्म पे ज़रूरी है, इससे कि यात्रियों को जो हैंड पाइप से पीना चाहते हैं पानी, हैंड पाइप का पानी पीना चाहते हैं, तो उनको असुविधा उत्पन्न ना हो। ये देखिए 3 सीट के नीचे 2 बैठने के लिए बनाए गए हैं सीमेंट से स्थान, और देखिए बहुत ही प्यारा बन के तैयार है, पीने के लिए उत्तम व्यवस्था जल, और देखिए बाथरूम है लेडीज और जेंट्स के लिए, तो काफ़ी अच्छा है, बढ़िया बनाया गया है। ये देखिए मुफ्तीगंज का बोर्ड है, तो चलिए अगला स्टॉप आने वाला है, तो आपको दिखाते हैं उसका व्यू। अगर देखिए गंगोली स्टेशन आ गया है, और यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं गंगोली स्टेशन पे, और बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था, और 3 सेट लगाया गया है जगह जगह, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा 3 सेट लगाया गया है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गंगोली स्टेशन पर। देखिए सामने बैठने के लिए उत्तम व्यवस्था, लेकिन जो प्लेटफॉर्म है उसके बगल में घास काफ़ी ज़्यादा जम चुका है गंगोली स्टेशन पे, तो हम आशा करते हैं कि इसको साफ़ सफाई करें जो कर्मचारी लोग हैं रेलवे के, तो इस पर ध्यान दें गंगोली स्टेशन पे। सामने FOB और हमारी ट्रेन को सिग्नल मिल चुका है, तो हमारी ट्रेन अगले स्टॉप के लिए रवाना हो रही है, और ज़्यादा देर नहीं रुक रही है ट्रेन, करीब 1 मिनट भी नहीं रुक रही है, तो काफ़ी अच्छी बात है। देखिए कुछ प्रकार का प्लेटफॉर्म गंगोली स्टेशन बढ़िया बन के बना तैयार है, ज़्यादा यहाँ पे घास आपको देखने मिलेगा, सरपत देखने को मिलेंगे, तो इसको जल्द से जल्द सफाई करें, क्योंकि रेलवे का ये पूरा अंडर में है। चलिए अगला स्टॉप आपको दिखाते हैं। धीरे धीरे हमारी ट्रेन केराकत रेलवे स्टेशन पर लग रही है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, और आगे टर्निंग पॉइंट है, तो आगे ट्रेन टर्न हो रही है, आप देख सकते हैं डेमू है ट्रेन, काफ़ी बढ़िया चल रही है और ज़्यादा देर नहीं रुक रही है। और कुछ प्रकार का देखिए प्लेटफॉर्म आता हुआ केराकत का,
धूप काफ़ी तेज़ है, बदरी वाला धूप है तो काफ़ी तेज़ है। और आगे किराकत है रेलवे स्टेशन पे भी FOB जो फुट ओवर ब्रिज है उस पर बनाया गया है, तो काफ़ी अच्छी बात है और जिससे यात्रियों को असुविधा उत्पन्न नहीं होगी। यहाँ पर देखिए चार बैठने के लिए बनाया गया है, 3 सीट के नीचे दो इधर बनाया गया है। और देखिए बाथरूम प्रकार का टाइल्स लगा हुआ है और यहाँ देखिए पानी के लिए उत्तम व्यवस्था। और आगे एक हैंडपम्प, जो हैंडपम्प का जो बता दें कि काफ़ी बढ़िया, देखिए यहाँ पे ठंडा पानी आपको मिलेगा हैंडपम्प पे। तो सभी प्लेटफॉर्मों पे इस रूट पे हम देख रहे हैं कि हैंडपम्प एक लगाया गया है, तो काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी खुशी की बात है कि ये देखिए फुट ओवर ब्रिज। तो काफ़ी लंबा प्लेटफॉर्म बनाया गया है, किराकत है प्लेटफॉर्म नंबर 2। ट्रेन देखिए निकल चुकी है किराकत है रेलवे स्टेशन से, करीब 1 से 1.5 मिनट यहाँ पर ट्रेन रुकी है। तो चलिए अगला स्टॉप हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो के माध्यम से, जो आज एक बड़ा अपडेट है आप सभी को हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जौनपुर जंक्शन से और यहाँ जंक्शन तक का अपडेट। तो आप लोग बने रहिए इस अपडेट में और पूरा हम अपडेट आपको दिखाएंगे। आगे देखिए धोबी स्टेशन आ रहा है, किराकत के आगे धोबी स्टेशन पड़ता है, तो उसका हम आपको प्लेटफॉर्म दिखाते हैं। उस पर भी FOB ब्रिज फुट ओवर ब्रिज बनकर तैयार है। ये है धोबी स्टेशन, यहाँ देखिए काफ़ी संख्या में स्लीपर आके रखाया है, अभी काम लगना है हमको लग रहा है प्लेटफॉर्म पर, एक आगे प्लेटफॉर्म और बढ़ाना है लग रहा है हमको। और देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे घास देखने को मिल रहा है और बहुत ही गंदगी है यहाँ देख रहे हैं। ये देखिए घास काफ़ी दिन से इसको साफ़ नहीं किया जा रहा है, पूरा घास है यहाँ पे, आप देख सकते हैं धोबी स्टेशन का ये नज़ारा है। तो इसको ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इधर देखिए बना तो गया है लेकिन इसे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और यहाँ देखिए 3 सीट लगा है, तो हम मांग करेंगे रेलवे के जो अधिकारी लोग हैं तो उनके जो सुपरवाइज़र हैं उनसे कहकर इस स्टेशन पर साफ सफाई करवाएं ताकि यात्रियों को दिक्कत ना हो, यात्रियों को सुविधा मिल सके। और जैसी गंदगी रहेगी तो यात्री लोग काफ़ी परेशान होंगे। तो चलिए सामने फुट ओवर ब्रिज है और अगला स्टेशन हम आपको दिखाते हैं, अगला प्लेटफॉर्म कौन सा है, अगला स्टॉप आने वाला तो उसका हम व्यू आपको दिखाएंगे। हमारी यात्रा पहुंच गई है दुधौंडा स्टेशन पर, जो कि धोबी के आगे पड़ता है, ये भी दुधौंडा का प्लेटफॉर्म है। तो काफ़ी यहाँ पर भी घास देखने को मिल रहा है हमको, प्लेटफॉर्म तो काफ़ी बढ़िया इधर बन के तैयार है, आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म तो काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जो यहाँ की जो आप देख सकते हैं घास है काफ़ी ज़्यादा जमा हुआ है दुधौंडा स्टेशन पर। वो किस प्रकार का यहाँ देखिए बैटरी रूम IPS रूम बन के तैयार है और नई बिल्डिंग है, जैसा बता दें आपको हाल ही में बन के तैयार हुआ है नई बिल्डिंग। और यहाँ पे देखिए कुछ प्रकार का 3 सीट लगा हुआ है बैठने के लिए व्यवस्था, अब लोग गाड़ी भी लेके आ जा रहे हैं प्लेटफॉर्म पे और हमारी ट्रेन को सिग्नल भी मिल चुकी है फिलहाल। फरीदाहा हाल्ट अगला स्टेशन फरीदाहा हाल्ट है। तो चलिए अगला स्टेशन हम जो है फरीदाहा हाल्ट उसका व्यू दिखाते हैं आपको, क्या स्थिति है वहाँ की। ये फिलहाल दुधौंडा स्टेशन है, देखिए फरीदाहा हाल्ट भी आ चुका है। ये पड़ता है आपको औरिहार स्टेशन से पहले, एक स्टेशन पहले फरीदाहा हाल्ट पड़ता है। तो फिलहाल अभी हम देखिए प्लेटफॉर्म पे उतर रहे हैं और आप देख सकते हैं फुट ओवर ब्रिज भी है सामने फरीदाहा हाल्ट पर। और धूप तो काफ़ी तेज़ है मित्रों बताना चाहेंगे, और यहाँ पे तो थोड़ा बहुत घास यहाँ पर सफाई हुई है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं सीधे औरिहार जंक्शन, जहाँ पर आज एक महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी को दिखाने वाले हैं। तो फिलहाल जौनपुर जंक्शन से और औरिहार जंक्शन तक का अपडेट आप सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा।
और अंत तक बने रहिए, पूरा हम आपको दिखाते हैं व्यू आज का। साथियों, हमारी ट्रेन औढ़ियार जंक्शन पहुंच रही है और कुछ प्रकार का देखिए यहाँ पर आउटर का ही नज़ारा है। औढ़ियार जंक्शन का पहले का ये दृश्य है और आगे एक रेलवे फाटक है औढ़ियार जंक्शन का। आप देख सकते हैं कि आगे मेरा ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग रही है मेरी ट्रेन, और देखिए खाली ट्रेन जाती हुई अभी आउटर पे लगेगी जाके। ये भी पैसेंजर ट्रेन है, इसी तरह है मेमू, ये भी है ट्रेन। और सामने देखिए रेलवे फाटक है औढ़ियार जंक्शन का। और ये औढ़ियार जंक्शन का देखिए ट्रैक है, दिख रहा होगा सामने पानी टंकी है, नई टंकी, और सरकार का रेलवे का वहाँ पे देखिए बिल्डिंग बना हुआ है। और आ रहा है टिकट हो यार, और आ रहा है औढ़ियार जंक्शन, जो कि हमारी ट्रेन देखिए किस प्लेटफॉर्म पे लग रही है हम देखते हैं। और सामने देखिए किस प्रकार का इंजन जाता हुआ। और फाइनली हमारी ट्रेन औढ़ियार जंक्शन पर लग रही है और देख सकते हैं कि प्लेटफॉर्म अभी बन रहा है, तो काफ़ी बढ़िया बन के तैयार हो रहा है औढ़ियार जंक्शन। तो गंदगी भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे गाय ज़्यादा यहाँ पे आती हैं लग रहा है। यहाँ पे देखिए बाथरूम के लिए पूरा व्यवस्था बनाया जा रहा है, यहाँ पे देखिए टीन शेड भी लगा हुआ है। अभी प्लेटफॉर्म पे काम चल ही रहा है। और सरकार देखिए यहाँ पे पानी के लिए उत्तम व्यवस्था, चार नल इधर है, चार नल उधर, चार चार आठ एक बेसिन बनाया गया है। और सरकार के यहाँ पे देखिए बॉक्स सिग्नल का और लाइटिंग का भी उसमें बॉक्स होगा। इस प्रकार से देखिए हम प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुके हैं, ये है औढ़ियार जंक्शन। फिलहाल हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 7 लगी है, जो कि यहाँ पर 7 ही प्लेटफॉर्म है, तो लास्ट प्लेटफॉर्म पर हमारी ट्रेन लगी हुई है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी को आज का यह अपडेट जौनपुर जंक्शन से औढ़ियार जंक्शन तक का वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो एक लाइक करेगा, चैनल पर नएंगे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। फिर मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।